फ्रेंड्स आपको भी दिक्कत आती होगी, यूट्यूब चैनल पर आप अपने वीडियो को अपलोड नहीं कर पाते हैं, 91% या 99% या कुछ वीडियो अपलोड होने के बाद वो प्रोसेसिंग ही शो करता रहता है, उसमें घंटे दो घंटे निकल जाते हैं फिर भी आपके वो प्रोसेसिंग नहीं हो पाती। तो ये वीडियो खास आपके लिए है, इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप इस प्रॉब्लम को काफ़ी आसानी से दूर कर पाएंगे। उसमें आपको क्या करना रहेगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। मैं आपको एंड में एक टिप भी बताऊँगा जो आपको बहुत काम आने वाली है। तो जैसे आप यहाँ पर वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको सिर्फ प्रोसेसिंग ही शो होता है और इसमें कुछ वेट के लिए बोला जाता है, लेकिन उसमें आपको घंटा भी निकल जाता है, आधा घंटा भी निकल जाता है और आप अपने वीडियो को यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। छोटा सा वीडियो देख लेंगे तो काफ़ी आसानी से आप अपनी इस प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जैसे वीडियो मैंने बताया था आपको, ये अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करता हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर जहाँ पर वीडियो अपलोड करने के लिए मैंने प्रोसेस किया था वहीं पर मैं फिर क्लिक कर रहा हूँ। तो ये देख पा रहे हैं आप, अभी तक वेटिंग ही शो हो रही है क्योंकि अभी तक ये पूरा प्रोसेस नहीं हुआ है। वीडियो या 99% या 91% पर आकर अटक जाता है और उसके बाद ये प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है। तो ये किस वजह से होता है उसकी भी जानकारी दूंगा और इसी प्रॉब्लम को आप 100% किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे उसकी भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो यहाँ पर देखिए ये आप करना क्या रहेगा उसकी मैं जानकारी दूंगा। तो आपको यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो में जाना है, दोनों खोल रखे मैंने, यूट्यूब चैनल भी खोल रखा है, यूट्यूब स्टूडियो भी खोल रखा है। यूट्यूब स्टूडियो के वीडियो भी देखना चाहे तो आप हमारे इस चैनल में देख पाएंगे जिसमें आपको अलग अलग कैटेगरी के काफ़ी सारे वीडियो मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पेन का निशान दिख रहा है एडिट का, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज खुलेगा और इसमें आप सबसे नीचे जाकर ऑप्शन देखेंगे तो डिलीट वीडियो का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। जब आप यहाँ डिलीट वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो यहाँ से डिलीट हो जाएगा कंफर्मेशन के बाद, और आप देख पा रहे हैं आपके यूट्यूब स्टूडियो से अपने गायब हो चुका है वीडियो, यानी डिलीट हो चुका है। और अब आप अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको अपना आइकॉन शो हो रहा है जो आपने डिलीट कर दिया। तो आपको यहाँ पर 3 डॉट दिखते हैं फ्रंट साइड में, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ भी वीडियो को डिलीट करना होगा। यहाँ पर आप अपने वीडियो को डिलीट कर लेते हैं तो फिर आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने से पहले अगर आप अपने यूट्यूब चैनल को और यूट्यूब स्टूडियो को अपडेट नहीं किया प्ले स्टोर से तो उसे आप अपडेट कर लेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ सेटिंग में जाने के बाद आपको अपने ऐप्स वाले ऑप्शन पर जाना है। जहाँ पर आपको ऐप्स का ऑप्शन दिखता है वहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक नया पेज ओपन होता है और उसमें आपको सारे ऐप्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। ऐप्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सारे ऐप्स के ऑप्शन शो हो जाएंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने ऐप्स को ढूंढेंगे यूट्यूब को, तो यहाँ पर आपको यूट्यूब शो हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पर शो नहीं होता है तो आपको सर्च में जाकर लिखना होगा YouTube, वो किस तरह से होगा उसकी भी मैं जानकारी आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा है आपका YouTube का लोगो, तो आपको अब आगे जो करना रहेगा यहाँ पर आपको लिखना होगा YouTube। जब आप यहाँ पर YouTube लिख लेंगे तो उसके बाद आपको आपका इसमें आइकॉन शो होने लग जाएगा और आप उसमें आगे क्या करना रहेगा उसकी भी मैं जानकारी आपको दूंगा। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे लिखने के बाद तो आपको इस तरह से आपको यहाँ पर क्लियर कैच का ऑप्शन जो दिख रहा है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ क्लियर डाटा पर कर लेंगे। तो उसके बाद ओके करने के बाद आप देख पा रहे हैं ओके कर देंगे तो आपके क्लियर कैच में जितना भी डाटा होगा वो सारा यहाँ से खाली हो जाएगा और आपका यूट्यूब फिर से फ्रेश हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपको अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ करने के बाद जब आप फिर से अपने मोबाइल को ऑन करेंगे तो उसके बाद आप काफ़ी आसानी से अपने वीडियो को अपलोड कर पाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। YouTube चैनल पर आप अपने वीडियो को डालने के बाद अपना पूरा SEO किस तरह से करते हैं वो तो आपको जानकारी होगी। अगर जानकारी नहीं है तो आप हमारे इस चैनल पर वीडियो देख पाएंगे जिसमें आपको अलग अलग कैटेगरी के काफ़ी सारे वीडियो मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपने इस प्रॉब्लम जो आ रही थी वीडियो अपलोड फेल्ड की, वो प्रॉब्लम आप दूर कर पाएंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपने वीडियो को लोगों को दिखा पाएंगे और आपको जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी।